बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, हम दोबारा असाइनमेंट्स के साथ हाजिर हैं और पिछली असाइनमेंट्स में लगा के टोटल 71 असाइनमेंट्स हैं जिनको चेक करना है, और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं आज ये सारी असाइनमेंट्स चेक करूँगा और आपके सामने इंशाल्लाह इनको लेके आएंगे। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट के पहले जो पिछली असाइनमेंट्स बची थी उनको चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या है और किस किस तरह से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले प्रेसी राइटिंग है, तो आइए प्रेसी राइटिंग को देखते हैं। हिस्ट्री प्रूव्स दैट वुमेन आर वीकर एंड मोर डम्ब देन, THEN देन आना था बेटा, आपने फिर यहाँ पे गलती की है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन THEN देन एंड THAN देन। बट नाउ इन 20th सेंचुरी कॉमा द सुपीरियरिटी फैक्टर इज मेंटल स्ट्रेंथ। द कंट्रीज वेयर बोथ जेंडर्स आर एजुकेटेड इक्वली प्रूव्ड दैट, अच्छा, दैट वुमेन, जो वो कंट्रीज है, वुमेन ब्रेन, ठीक है, इज एज सिमिलर एज मैन। वुमेन इंडिपेंडेंट नाउ एंड प्ले हाई रोल्स इन सोसाइटी, इवन द ग्रेटेस्ट रॉयलम इंग्लैंड एंड इंग्लैंड हैड रियलम इंग्लैंड हैड रूलर्स क्वीन विक्टोरियन क्वीन एलिजाबेथ, वुमेन गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन व्हाइल मेन कांट सो कॉमा दैट्स देयर चॉइस टू बी द हाउस वाइफ एंड केयर टेकर ऑफ होम, इट्स नॉट बिकॉज दे आर डम। बेटा, इसका मुझे पैसेज लाजमी दिखाइएगा। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ही अपनी तरफ से लिख दिया सब कुछ, क्योंकि हमने कहा था कि आपने पैसेज की ही बातें करनी है लेकिन अपने अल्फाज में। मुझे शक पड़ा है, लेकिन दिखाइएगा लाजमी मुझे प्लीज़। मैं अब यही समझ रहा हूँ कि ये पैसेज कोई और था, वो नहीं था जो मैं समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको मार्क्स दे रहा हूँ, 8 out of 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगली असाइनमेंट्स कौन सी है। अगली जो अफिनिटी के ऊपर है, तो जनाब एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो जनाब ठीक है। इसके अंदर पहला आइडिया क्या है, जो ओवर पॉपुलेशन है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ वाइटल कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ओवर यूज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। रिसोर्सेज हैं इनसफिशिएंट लोकेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि दो हैं, तो फिर उसके साथ बिकम आना था। लैक ऑफ अदर रिसोर्सेज इन अदर रिसोर्सेज कौन से, वो भी तो बताना है ना आपने। 6.5 out of 10। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये असाइनमेंट कौन सी है। प्रेसी राइटिंग है हमारे पास, तो ये चेक करते हैं। फ्रूट फ्लाइज अट्रैक्टिंग टू फ्लाइज, सिंगल फ्लाइज, सिंगल फ्लाई है तो उसके साथ ले तो नहीं आना ना। प्रेजेंट की अब बात करें, विद इन आ 8 days, विद इन 8 days होगा बेटा, विद इन के बाद तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। पीपल वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फ्लाइज और पेस्टिसाइड स्प्रे स्प्रेड पॉइजन, ठीक है। देयर इज आल्सो से वेरी गुड रिड ऑफ दिस फूड दिस फ्लाइज एंड रिड्यूस द आउटडोर्स विद लिटिल एफर्ट यू कैन एग्जिस्टिंग फ्लाइज आउट, यू कैन एग्जिस्टिंग फ्लाइज, ये लाइन ही गलत होगी बेटा। 6 marks out of 10, आपने लाइन को देखना है क्योंकि ये सेंटेंस ही गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया, ये उसे चेक करते हैं। प्रेसी राइटिंग है हमारे पास जनाब, वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू मेकिंग वुमेन पावरफुल एंड अ वुमेन हैज सफर्ड अ लॉट थ्रू दीज इयर्स इन देयर बेसिक राइट्स, वुमेन वर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजंस, आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू वर्क इन समवन्स फेवर बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, स्ट्रगलिंग, ठीक है। डिस्पर्सिंग द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, वुमेन गेट पेड लेस देन मैन, वुमेन गेट पेड पे लेस देन मैन, या वुमेन आर पेड, इस तरह बोलें, टू एम्पावर वुमेन टू स्पीक फॉर देम, टू लेट देम स्पीक फॉर देम सेल्व्स। 6.5 out of 10, चूँकि इसमें भी आपने गलती एंड पे कर दी, हालांकि नहीं करनी बनती थी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ द मेन इशू इन पाकिस्तान, तो आइए इसके ऊपर चेक करते हैं, देखते हैं उन्होंने कैसा किया। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ द मेन इशू इन पाकिस्तान, पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू फॉर मोबाइल फोन, सो इट्स मेन इशू। मैंने बेटा बोला है कि एक ही सेंटेंस, दोबारा नया सेंटेंस में जाना, ड्यू टू इंक्रीजिंग फॉलोअर्स एंड लाइक्स कॉमा जनरेशन है तो बस यूजेज आएगा। लोनलेस एंड आइसोलेशन इज द मेजर, लोनलेस एंड आइसोलेशन दो चीज़ें आर द मेजर कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, बार बार प्रॉब्लम का वर्ड यूज़ कर रहे हो। विजन सेंस इज टोटली डिस्टर्ब विद एक्सेसिव यूज सोशल मीडिया ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, फिर वही यंग जनरेशन डिक्रीजेस देयर सेल्फ इंसी, जनरेशन सिंगुलर तो फिर देयर तो नहीं आएगा यहाँ पे। 4.5 out of 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगली असाइनमेंट को चेक करते हैं। ये वाटर स्कार्सिटी के ऊपर है, तो आइए देखते हैं इन्होंने कैसा किया। वाटर स्कार्सिटी मेजर प्रॉब्लम पाकिस्तान, ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ स्टार्टिंग रिकर्स फॉर वेस्टिंग वाटर, फिर आपने वही काम किया। रेन इज द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ह्यूमंस आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेस लाइक डिहाइड्रेशन, इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी फॉरेस्ट लाइफ इज टोटली डिस्टर्ब्ड,
7.5 out of 10. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एफिनिटी डायग्राम है, आइए चेक करते हैं, पब्लिक हेल्थ है, इनोवेशन है, न्यू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट आर इन्वेंटेड डे बाय डे, डेथ रेशियो इज डिक्रीज्ड वेयर एज बर्थ रेशियो इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस, फैसिलिटीज न्यू पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर मेड डे बाय डे, पीपल कैन टेक मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है. आई एम गोना गिव यू 8 out of 10, अच्छा लिखा है आपने, शाबाश. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले असाइनमेंट चेक करते हैं. दिस इज ऑल्सो एन अफिनिटी. वैसे बेटा कभी कभी सोचते हो कि सर इतनी जल्दी कैसे चेक करते हैं, भाई आखिर सर रेहान का तजर्बा भी कुछ चीज़ है, 15 ईयर्स माशाल्लाह इन चीज़ों को चेक करते करते हो गए, तो इसलिए मुझे पता चलता रहता है. पॉवर्टी एलिवेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसे सेंटेंस की शक्ल में लिखना था. जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड यूज द एम्प्लॉयमेंट, मोर जॉब इंस्टीट्यूट शुड बी मेड विच इन रिटर्न इन टर्न रिड्यूस विच इन रिटर्न मे रिड्यूस पॉवर्टी. जॉब शुड बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस. रेफरेंस रेफरेंसेज नहीं बेटा यूज़ करते, बाई रिड्यूसिंग रेफरेंसेज कहते ही नहीं है. By reducing the inflation, we can decrease the poverty level. ठीक है. By reducing the taxes on goods and services, poverty can be minimized. ठीक है. 6 out of 10. ये problem statement को ठीक लिखेगा दोबारा. Next है जी gender inequality के ऊपर, तो आइए check करते हैं इन्होंने क्या किया है. पहला mind पहले वही है, आपने problem statement वही किया. This was due to lack of education, lack of awareness, misguided guidance. ठीक है. सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन इट्स मेन रीजन. सम जॉब्स आर कंसिडर सूटेबल फॉर मैन एंड सम फॉर वुमेन. रिस्ट्रिक्शंस आर एम्प्लॉयड ओनली ऑन वुमेन इज द रिस्ट्रिक्शन आर एम्प्लॉयड ऑन वुमेन इज द विच इज द मेजर कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. 6.5 out of 10. चूँकि वो आपने वो देखे ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी लिखी, इसलिए मैं मार्क्स ज़्यादा काट रहा हूँ. स्मोक के ऊपर आपकी पैराग्राफ राइटिंग है, तो चेक करते हैं जनाब. स्मोकिंग कम्बिनेशन टू वर्ड स्मोक एंड स्मोक. ठीक है. इट्स अ टाइप ऑफ पोल्यूशन. वन मैनी पोल्यूटेंट्स लाइक इंक्लूडिंग लाइक सर्विस कंपोनेंट्स आर रिलीज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज कॉमा स्मोक राइज इट अफेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड. बेसिकली स्मोक हैज अ डेंजरस इफेक्ट ऑन बेस सफरिंग फ्रॉम डिजीज लाइक ब्रीथिंग एंड मेनी प्रॉब्लम्स. द मेजर रीजन ऑफ हेसिटेशन व्हिच इज हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन फैक्ट ड्यू टू स्मोक फॉरेस्ट लाइफ इज टोटली डिस्टर्ब ड्यू टू अनक्लीनलीनेस ऑफ एयर. Plants and animals cannot survive. Smoke occurs due to this. Activities burning of fossil fuels and forest fires. Loading rate increasing and the government should control industrial emissions. Yes, it can be reduced only when our environment is clean. So public awareness is also important in this way. तो जनाबे वाला मैं आपको इसमें जो मार्क्स दूंगा, they will be 15 out of 20. अच्छी अटैम्प्ट है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. वाटर स्कार्सिटी के ऊपर है, तो आइए चेक करते हैं. वाटर स्कार्सिटी मीन सोचो वाटर इन द वर्ल्ड एंड वाटर इन सारे पास ऑफ लाइफ फुल स्टॉप. फिर सो आपने कहना था मन, अब यहाँ पे इफेक्ट्स ई वाला नहीं आना था. कौन से वाला आना था बच्चों, आपको तो पता है ना. बेसिकली नॉट ओनली ह्यूमंस बट आल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंस्पायर्ड ड्यू टू वाटर. इंस्पायर्ड मतलब मुतासर हुए हैं. क्या बात है, पानी कम हो गया. यस, क्या हो गया भैया आपको. In fact, there are following reasons for this reason. Following है तो आगे कॉलम का निशान लगाएं. The main reason is that people are wasting water for their domestic purpose होता है many activities. So water scarcity problem. So water scarcity ये problem ही है कमी. It's increasing day by day. Lack of rain has a bad impact on our environment. Water is very important for our crops in Pakistan many areas. In many areas, this problem is widespread like Chalistan, sea capital, Tharka tea capital. इन दिस एरिया दिस है तो फिर दिस के साथ एरियाज होता है, दिस के साथ तो नहीं एरियाज होता. कॉमा पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज लाइक डिहाइड्रेशन एंड डिसेंट्री. इन कंक्लूजन पीपल शुड नॉट वेस्ट वाटर. इस्लाम आल्सो प्रोहिबिट्स. बेटा आप अपनी टेंस की मिस्टेक को ठीक करें. प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव और पैसिव दोनों के ऊपर, वो मैंने एक्सरसाइज जो दी हुई है ना, जो मैंने फिजिकल क्लास की रिकॉर्डिंग करवाई है, उसके अंदर एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, उनको आप करें, प्रैक्टिस करें एक्टिव पैसिव की, बहुत अच्छे से हो जाएगी. Polyclans is that eat and drink and don't waste. ठीक है. So we should need to secure water for future generations. मैं इसमें आपको 7 marks दे सकता हूँ out of 20, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगा. तो जनाब प्रेसी राइटिंग की तरफ आते हैं और देखते हैं इन्होंने कैसे किया है. सबको नज़र आ रहा है. येस, मैनी पीपल हैव रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑन ऑर्गेनिक फूड्स आर बेनिफिशियल एंड सुपीरियर टू लोकल एंड कन्वेंशनल फूड्स एज़ फॉर एग्जांपल कंसम पीपल ऑफ हाइड्रा इज एवैल्यूएटेड एंड क्लेम दैट दिस क्लेम्स इन दिस सच सजेशंस कैन गिव हार्म हार्ड टाइम टू जनरलाइजेस इन समरी देयर आर मैनी. ये क्या है, इन समरी क्यों लिखा आपने यहाँ पर. फूड्स दैट दीज फूड्स आइटम्स प्रूव गुड एंड कैन एनहांस आर हेल्थ. ठीक है.
The main difference between organic and conventional food items is just their pricing. Nothing but comical. Ye comic. Achha, comic. Theek hai. Buying the expensive food items and conventional have less service. Theek hai. क्योंकि आपने ये सेक्शन बस थोड़ा सा किया, इसलिए 8 out of 10 मार्क्स सही लिखा है. नेक्स्ट बढ़ते हैं और चेक करते हैं जी, टॉपिक है करप्शन. और ये नज़र भी सबको आ रहा है, इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे इसे जूम करने की. करप्शन इज द किलर ऑफ कंट्रीज इकॉनमी. मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सबको पता लग जाए. वेन एवर ग्रीड ऑफ डिज़ायर कम, ग्रीड है तो सिंगुलर है तो फिर कम्स आएगा. दिस स्टार्ट करप्शन. लो लिटरेसी रेट इज़ आल्सो मेजर कॉज ऑफ करप्शन. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी लीड्स करप्ट प्रैक्टिसेस टू थ्राइव. फिर उसके बाद आता है जनाब, करप्शन ऑफन लीड्स टू इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी. नेक्स्ट, क्राइम एंड वायलेंस इज फ्यूल्ड, FUEL. चलो मैं मान लेता हूँ भाई, करप्शन फॉर इन्वेस्टर्स कैन डिस्करेज फ्रॉम, कैन बी डिस्करेज. ये आपने सही नहीं लिखा. 7 marks out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. स्मोक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स मेरे भाई. ठीक है, इसको ठीक करना था आपने. वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स. समटाइम्स स्मोक इज कॉज बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. स्मोक अकर्स. दोबारा स्मोक लिख रहे हो आप. वाइल्ड लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्मोक फॉर्मेशन. स्मोक कैन डैमेज एग्रीकल्चर. इट कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सर विजिबिलिटी. ठीक है, 7.5 out of 10. गुड गुड गुड. नेक्स्ट चेक करते हैं और देखते हैं क्या है. तो हाई एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग रैपिडली. तो जनाबे वाला ये भी होगी. या इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू बिजनेस कटिंग बैक ऑन द प्रोडक्शन. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री में सफरिंग. ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कैन लीड टू दिस. अनएम्प्लॉयमेंट इज कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल अनरेस्ट. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जैजरेट एग्जैक्ट रेट. ठीक है, 8 marks. गुड बेटा, ये अच्छा किया आपने, शाबाश. तो जनाब वाला ये हमारा सेक्शन भी कवर हो गया. अब हम इन सब को चूँकि चेक कर लिया, इधर हम इधर करते हैं. अब जरा बाकी स्टूडेंट्स की तरफ भी आते हैं. तो ये जो हमारे पास सेक्शन है ना, 67 से लेके और जनाब ये, चूँकि मैंने वो 10 mark वो डाले थे इसके अंदर, तो इसलिए वो असाइनमेंट्स बीच में आ गए. तो चलें जी, इसको भी अब चेक करते हैं. तो अब हमारे पास 67 से शुरू करते हैं, जो कि लास्ट हमने शुरू किया. तो इसलिए यहाँ से देखते हैं बच्चों का स्लीप डेप्रिवेशन. यहाँ पर डी छोटा आना था. By unhealthy diet, stress and pressure can lead to this. Excessive use of mobile phones every goes. Don't be over efficient. सिर्फ 3 का यहाँ तो 3 ही बताएं. Sleep deprivation reduces the alertness. Person suffering from sleep deprivation always has irritable mood. Person has. Person के साथ तो has आएगा ना. It affects the memory of a person dangerously. बस effects कह दिया, dangerously की ज़रूरत ही नहीं है. अगर करना तो फिर इधर करें. जनाब मैं इसमें आपको मार्क्स जो दूंगा, दे विल बी 7 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं. ये हमारे पास एक और असाइनमेंट आई है. तो ये टेररिज्म के ऊपर इंक्रीजिंग बढ़े इन द वर्ल्ड. जो पॉलिटिकल इश्यूज प्रमोट, ठीक है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी रिजल्ट्स. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का बढ़ना, ठीक है, फिर रिजल्ट ही आएगा इंक्रीजिंग के मुताबिक. अग्रेसिव कम्युनिटी हेल्प्स टू इंक्रीज टेररिज्म. मेनी लाइव्स आर लॉस्ट ड्यू टू दिस. टेररिज्म इंक्रीजेस increases many mental problems. Loss of property may be due to this problem. ठीक है, तो जनाब मैं आपको इस पर दूंगा 8 out of 10. ठीक लिखा है. टेररिज्म बर्निंग क्वेश्चन दिस डेज इन इट इज़ द मेन रूट ऑफ ऑल इवल्स. ऑल द वर्ल्ड इज अफेक्टेड. मीन्स यूज ऑफ फोर्स एंड अग्रेशन ऑफ द पर्सन. ठीक है, टेररिज्म इज प्रमोटेड टू दिस. टेररिस्ट स्टार्ट हाईजैकिंग बॉम दिस विच प्रमोट्स टेररिज्म. Promotes world hypertension and sleep deprivation. The failures in short, we should take some steps to stop terrorism. First, employment should be increased. Thirdly, we should increase peace. लेकिन बेटा आपने वो, ये तो बॉडी पैराग्राफ का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन कंक्लूजन के अंदर आपको ये सजेशन ही, आपने तो सबको रैपअप पढ़ना था ना, तो कंक्लूजन आपका ज़रा जानदार नहीं है. इसको दोबारा सही से कीजिएगा. 13 out of 20. बाकी आपने अच्छा लिखा है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. हमारे पास फिश बोन डायग्राम है और 7 paragraph राइटिंग भी है. ठीक है, कोशिश किया करें अलग अलग ही आप भेजा करें. पाकिस्तान रेवोल्यूशन डे बाई डे साइकोलॉजिकल इशूज बिकम. ठीक है, जो दस पेपर में स्टक. ठीक है, अफेक्ट. वेरी गुड, 8 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. पाकिस्तान ड्रग्स एडिक्शन से बर्निंग क्वेश्चन इकोनॉमी. Pakistan is a hypertension headache. Pakistan is increasing employment inflation. People start taking drugs.
bartender whenever somebody is addicted. ठीक है, इंश्योर ड्रग्स और इंटरटेनमेंट पर्पस. बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, 18 out of 20, दिस इज गुड, वेरी गुड. ये मुझे लाइव भी मैसेज कीजिएगा, मैं लाइव आपको शाबाश देना चाहूँगा. ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं. पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, पॉवर्टी कॉज सफरिंग एंड होल्ड्स बैक. ठीक है, पीपल लैक एक्सेस. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिस्टम, करप्शन डिनाई. ठीक है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्यू गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट एंड द इकॉनमी रिमेंस वीक, इनइक्वालिटी एंड हार्डशिप परसिस्ट, स्टेपिंग पीपल पॉवर्टी. 8 out of 10, गुड, शाबाश. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगली असाइनमेंट चेक करते हैं. ये कौन सी है, सॉरी मैं इसको दोबारा नीचे ले आता हूँ. जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट इन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड पॉलिसी एग्जिस्ट, वुमेन हैव लिमिटेड एक्सेस. ठीक है, एक्सेस ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर वुमेन. ठीक है, वुमेन्स पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टेशन आर लिमिटेड लीडिंग टू अ लैक ऑफ एम्पावरमेंट, पॉवर्टी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिकम. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड. अच्छा करने लग पड़ी हो आप, मुझे पता लग गया आपका, आप कौन है मुझे ये भी पता चल गया बाजी. नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं इनकी. तो स्मोक पॉजिटिव सिग्नल थ्रेट एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, व्हीकल एमिशन कंटेन. ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक रिलीज, फॉसिल फ्यूल्स कंबशन जनरेट्स एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्रीज अमंग, नहीं आर इंक्रीज आएगा, बढ़ जाते हैं. कौन बढ़ाता है ये नहीं पता, ये आप यहाँ से गलती कर लें. अच्छा, एटमोसफेरिक पार्टिकुलेट मैटर रीचेस हैजर्डस लेवल्स. ठीक है, 7 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगली असाइनमेंट चेक करते हैं. ये है जी वाटर स्कार्सिटी के ऊपर. वाटर स्कार्सिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन लीड टू दिस, क्लाइमेट चेंज अल्टर्स वेदर पैटर्न्स रिड्यूसिंग वाटर अवेलेबिलिटी, शुड वाटर यूज एंड वेस्टेज एक्सेसिवेट द स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी लिमिट्स द एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, फूड शॉर्टेज. शॉर्टेज बेटा, शॉर्टेजेस ना यूज़ किया करें, फूड शॉर्टेज एंड डिक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अकर ड्यू टू दिस. इसको वाटर बॉर्न डिजीज इंक्रीजेस रिस्क इंक्रीज ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी. ठीक है, गुड, 7.5 out of 10. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास फिश बॉर्न ही है और सेम बाजी की तरफ से है. तो पब्लिक हेल्थ इज एट रिस्क टू द फेलिंग हेल्थ केयर टॉक्सिक इन्वायरमेंट. अच्छा बेटा, जितना कम हो उतना कम लिखा करें, इतना बड़ा सेंटेंस ना बनाया करें. इन्फेक्शन फ्रॉम डिनाइड पीपल. ठीक है, एनवायरमेंट हैज़र्ड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज एंड हेल्थ बिहेवियर्स कंट्रीब्यूट टू दिस, पीपल सफरिंग फ्रॉम. ठीक है, पुअर हेल्थ मेक्स लाइफ हार्डर एंड लेस एंजॉयबल. 7.5 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. अगली असाइनमेंट हमारे पास अगेन फिश बॉन और ये मैडम अड़ीरा की तरफ से है, अनरा. अच्छा, ये अनरा है बेटा, ये अनरा का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइएगा आप. 16 August 3024, माशाल्लाह हज़ार साल आगे करते थे जालमों, और ये आपने पैटर्न भी सही फॉलो नहीं किया. इज एम्प्लॉयज, इसके बाद फर्स्ट स्टॉप नहीं लगाना. रिहान इनोवेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द रिहान इनोवेशन. डियर एम्प्लॉयज, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस. ठीक है, digital marketing, learn the literature of digital skills, time is this, and so develop the data analysis skills, time duration. ठीक है, ओ बहुत बड़ा नहीं लिख दिया आपने, गुड है जी, अच्छा किया, लेकिन कोशिश किया करने थी, कम ही लिख देते आप. सी यू एट ट्रेनिंग सेशंस, बेस्ट रिगार्ड्स. ये ज़रूरत नहीं थी, बस बेस्ट रिगार्ड, चूँकि मेमो है तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहा आपने बहुत अच्छा है. आई एम गोना गिव यू 18 out of 20, बहुत अच्छा, शाबाश. फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि प्रेसी राइटिंग है. तो आइए प्रेसी राइटिंग चेक करते हैं. मीडिया इज मिसलीडिंग द वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी ऑफ डॉक्टर्स, मेनी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स इन जर्मनी एंड ब्रिटेन हैव स्टार्टेड टू डीफेम. ठीक है, फुल स्टॉप की बात तो बेटा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट इज बिलीविंग दैम एज मोंटेग्ने सेड दैट फिजिशियंस आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर करेक्टर्स नॉट बाई देयर सर्विसेज. अच्छा, ये आपने उसी की लाइन को वैसे ही बोल दिया, तो आप और अच्छा इसे कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ मोंटेग्ने, हु इज रिस्पेक्टफुल, ही सेड ही
टोल्ड दैट दीज पीपल आर रिस्पेक्टफुल एंड दीज आर नॉट, इस तरह करके आप उसे बोल सकते थे। तो ज़रा इसको दोबारा थोड़ा सा देखें। 7 out of 10 गुड, बाकी अच्छा लिखा है आपने। नेक्स्ट हमारे पास हैं अगेन अनरा मैडम आई हैं और आइए चेक करते हैं। सम स्टॉर्म्स अकरिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन द वाटर ड्रॉप्स यूनाइट देम, ठीक है। थंडर स्टॉर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। फर्स्टली फुल ऑफ द मोस्ट एयर, ये क्या, फर्स्टली फुल ऑफ मोइस्ट एयर। थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी ऑन टू इनिशिएट अ थंडर स्टॉर्म। फर्स्टली नहीं, इस तरह नहीं, इसको दोबारा करना था सही। ये तीनों को दोबारा सोचें मैडम, आप अच्छे से सोच सकती हैं मुझे पता है। दोबारा सोच के इसको ठीक करना है और एक ही लाइन में लिखना है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब ब्लीजर्ड एंड हरिकेन आर द आप ब्लीजर्ड स्टॉर्म्स, अब ये आ कर दिया तो फिर ये काम तो ख़राब हो गया। तो पीपल बिकम फ्रीज्ड, इट कैन ग्रो बिटवीन 200-900 miles वाइड एंड एवरी स्पीड ऑफ 700 miles पर आवर एंड देयर एवरी स्पीड इज दिस, इस तरह बोल देते हैं। ये काफ़ी, इसको आपको दोबारा करना पड़ेगा, ज़रा दोबारा इसके ऊपर ध्यान करें। नेक्स्ट पैसे की तरफ आते हैं, डिफोरेस्टेशन इसके इफेक्ट्स के ऊपर है और आइए चेक करते हैं। तो जनाब वाला डिफोरेस्टेशन एंड इफेक्ट्स ऑन नेचर, डिफोरेस्टेशन द क्लीन फॉरेस्ट पॉजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज हैबिटेट टू लॉस, ठीक है। ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बट व्हेन कट डाउन रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर, बट वैन दे आर कट डाउन, पूरी लाइन करें ना, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया आपने। सब्जेंडाइनेशन लोकल कम्युनिटीज़ है तो फिर विच रिलाई, कम्युनिटीज विच रिलाई, ठीक है। आर आल्सो इफेक्टेड, ठीक है। जैसे पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इन द अनरेस्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रोटेस्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मिटिगेट क्लाइमेट चेंज टू इंश्योर द सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द काइंड ऑफ द नेचर, गुड बेटा, अच्छा लिखा है आपने, गुड। मैं इसमें आपको जो मार्क्स देना चाहूँगा, कितने मार्क्स देना चाहूँगा, मैं आपको देता हूँ जनाब 15.5 out of 20, गुड, अच्छा किया आपने, गुड। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं और ये हमारे पास स्लीप डेप्रिवेशन के ऊपर है, तो आइए चेक करते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए, कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स एंड इज अनएबल टू गेट द स्लीप ड्यू टू कॉज मेनी डिजीजेस सच एज़ माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस, ठीक है। क्योंकि बात उसके बाद आप एंड कर रहे हो ना, या मेमोरी लॉस के बाद एक्सेट्रा आपने किया तो इससे पहले कॉमा ज़रूरी था। अनहेल्दी डाइट प्लान, ओवर एंड एक्सेसिव वजन, दैट इज़ वाई कॉमा, इट इज़ मोर कॉमन टू परसेप्टिंग विंड ऑफ वजन, फिटनेस यू ऑलवेज पोजेसिस POSSES, ठीक है पोजेसिस POSSES, पोजेस, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा पोजेसिस के स्पेलिंग क्या है, या यही है, जैसा देख लीजिएगा बेटा। अभी मैं वैसे मार्क्स नहीं काट रहा। मेन कॉज ऑफ दिस वी शुड हैव टू कट डाउन इट्स एक्सेसिव यूज, ठीक है। 14 marks out of 20 जनाब, ये चेक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये असाइनमेंट हमारी डन अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चेक करेंगे 15 onward, ठीक है। चलें ये वाला सेक्शन हम पकड़ते हैं पहले 15 से, ये भी आ रहा है साथ, चलो आने दो फिर, कोई बात नहीं। ये सारे के सारे सेक्शन क्या ओपन हो रहे हैं और नहीं ना हो रहे, देखा मैंने कहा था ना वो वाले सेक्शन ठीक है, आप एम ही बीच में आ रहे थे। तो आइए अभी सेक्शन को भी देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ से शुरू है 15 से। तो इमाम खुमैनी के ऊपर इन्होंने लिखा प्रेस, गोल्डन डेज ऑफ क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी विद रिस्पेक्ट टू इस्लाम, इरान सिक्योरिटी इमाम खुमैनी इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इमाम प्रेस। अच्छा बच्चे इंटरनेशनल कोशिश करें इसका आई बड़ा लिखा करें, मैंने वैसे देखा है वो कहते हैं स्मॉल भी लिखा जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स एम कैपिटल ही होना चाहिए इस कंट्री का पॉलिसी, दिस पॉलिसी कॉज तो नहीं आना ना, कंट्रीज दैट वर बीइंग रूल्ड बाय अदर अथॉरिटीज़, ये गलत हो गया। 7.5 out of 10, टेंस की पूरी मिस्टेक की है आपने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये असाइनमेंट है हमारे पास एंड दिस इज़ ऑन इनफिनिटी डायग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपने इसको कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखा। रिप्रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसिस आना था, अपग्रेड्स आना था, डाटा बाय आपने पूरा नहीं इसको बोला। 4 marks out of 10 नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अफिनिटी हमारे पास अगेन आ गई और देखते हैं इन्होंने कैसा किया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी सेंटेंस इन्होंने कम्प्लीट नहीं लिखा, ट्रैफिकिंग फुल स्टॉप, प्रिवेंशन पी कैपिटल आना था,
improvement of education and awareness programs, ठीक है, strengthening laws and policies will help, ठीक है, disrupting human trafficking networks. अब ये अगर टाइटल बना रहे हैं तो फिर एच बड़ा, टी बड़ा, एन बड़ा. अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, डिवेलप से क्या, सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, इसी तरह यूटिलाइज क्या. 4.5 out of 10 आपको दोबारा ठीक करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा करें अच्छे अंदाज से. और सेम स्टूडेंट है आप, वही काम आप बार बार कर रहे हो, इस सब को आपने दोबारा करना है बेटा, ये दोबारा आपने करना है, क्योंकि सेंटेंस को आप कंप्लीट नहीं बना रहे, कंप्लीट नहीं बना रहे. अच्छा, इसकी तरफ आते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेंटेंस की शक्ल में होनी चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी अगर वो टाइटल बनाया तो ए कैपिटल करें. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, डाइट बैलेंस डाइट, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड लाइक दिस. सो आई कैन रिमेंबर अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड कंट्रोलिंग कैलोरी इनटेक इफेक्टिवली. ठीक है, तो इसमें मैं जो आपको मार्क्स दे पाऊँगा दे वो भी 5.5 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके असाइनमेंट क्या है. ये वही स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं, वही स्टूडेंट है. आप भाई इसको दोबारा करें, मैं जानबूझ के इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप जब ये दोबारा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कंप्लीट सेंटेंस करना है मैंने, मैंने ये गलती अब नहीं करनी कुछ भी हो जाए. अच्छा, ये बिल्कुल चेक करने वाला है, करते हैं. इन सोसाइटी मेट्रोपॉलिटन डे बाई डेस एजुकेशन इज द मेन. अब ये स्पेस किधर गया, जन इक्वालिटी प्रमोट द सिचुएशन ड्यू टू द इकोनॉमिक इशूज रिजल्ट बिकम. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोमोट्स मेंटल. ठीक है, शाबाश, 7.5 out of 10. नेक्स्ट स्टूडेंट का चेक करते हैं. ये हमारे पास लेटर है मैडम अनरा की तरफ से. अनरा का मतलब आपने मुझे बताना है लाजमी. जुनेद मैनेजर नेशनल बैंक कराची. ठीक है, ठीक है. लेटर टू मैनेजर ऑफ लाइब्रेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस. ठीक है, लेटर टू गवर्नमेंट आई पी हो गया. नेक्स्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या है. इन्फ्लेशन के ऊपर है, नज़र आ रहा है सबको, चलें थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. इन्फ्लेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दैट इफेक्ट्स. ठीक है, हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज पॉवर्टी, इंक्रीज्ड पॉवर्टी, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज्ड पॉवर्टी. ठीक है, करप्शन इज इलीगल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जनाब इसमें मैं मार्क्स दूंगा आपको 7 out of 10. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. जी, उन्होंने पैराग्राफ राइटिंग की है और नहीं, ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है. और ये बाजी अनरा ही हैं, तो चलें चेक करते हैं. लिटरेसी इज़ अ वाइड स्प्रेड सोशल इशू दैट इफेक्ट्स सम इंडिविजुअल कम्युनिटीज इन स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी आर लिविंग दिस स्ट्रगल. सम चिल्ड्रन आर अनएबल हेल्पिंग, अब किधर गया, आर फेसिंग दिस. ऑपर्चुनिटीज आर लिमिटेड, लर्निंग पोटेंशियल इज लोअर, लोअर, लोअर. Literacy drives down self-esteem and confidence. Very good. अच्छा है, 7.5 out of 10. फिर उसके बाद आते हैं पाकिस्तान एज फेस मैन लिटरेसी हाई लिटरेसी रेट रिप्रेजेंटेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस यूनिवर्सिटी. ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग टू एजुकेट दिस अनएबल टू स्टडी डेफिशिएंसीज इन एजुकेशन हैज अ बैड इंपैक्ट टू स्प्रेड नेशन वाइड कंट्रीज प्रोग्रेस. कंट्री प्रोग्रेस इज रिड्यूसिंग, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इस तरह बोले ना पूरा, ये डिक्रीजिज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इलिटरेसी लीड्स टू दिस विजुअल्स फेस फाइनेंशियल क्राइसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट पोसेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट. गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू नीडी चिल्ड्रन. ये तो कंक्लूजन में नहीं कहना था ना, आपने इसको रैप अप करना था, इसको और अच्छा किया जा सकता है. 13 out of 20, अच्छा और करें, और अच्छे अंदाज से और करें, प्रैक्टिस करते रहें आप जो मार्शल आप करते हो, इससे पता चल ही रहा है आप बहुत अच्छा काम करिए. गुड. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर डिस्टर्ब्स बिजनेस ऑपरेशंस, अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पुशेस. ठीक है, बैड ऑन बोर्डिंग, ये स्पेस देना चाहिए था. कैन लीड टू दिस अर्ली रेजिग्नेशंस, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस कॉजेस दिस हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजेस हायरिंग. ठीक है, द कंपनीज रेपुटेशन में सफर हार्डर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन डिक्लाइन ड्यू टू दिस. 7.5 out of 10.
नेक्स्ट चेक करते हैं, फिश बॉन है और चेक क्यों नहीं करना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जनाब फिश इज अ सीवियर वाटर शॉर्टेज, आई थिंक ये पहले नहीं आया था, वो दूसरा था स्कार्सिटी, ठीक है। वाटर क्राइसिस इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन, ये सी छोटा लिखें, वेदर इफेक्ट्स, ठीक है, इन्फेक्शन सिस्टम, ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह अब आपकी ग्रामर पे ग्रुप अच्छी हो गई है, गुड, 7.5 out of 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या फिश बोन डायग्राम है, तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जनाब फिश बोन डायग्राम देखते हैं इन्होंने कैसा किया है। तो जनाब पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक कैन स्ट्रेंथन पाकिस्तान चाइना कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, बोथ कंट्रीज नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, द कॉरिडोर एम्स टू कनेक्ट रीजन्स। अच्छा, चाइना वांट्स न्यू ट्रेड रूट्स, पाकिस्तान कुड सी इकोनॉमिक बूस्ट, एरियाज इन पाकिस्तान माइट बेनिफिट फ्रॉम दिस, चाइना पाकिस्तान विल हैव स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप, 8 out of 10, गुड, ये अच्छा लिखा है आपने बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं फिश बोन डायग्राम, ओबेसिटी के ऊपर है, तो आइए चेक करते हैं। ओबेसिटी इज़ हार्मिंग पीपल्स हेल्थ, ओबेसिटी इज़ कॉज बाय पुअर डाइट, फैमिली हिस्ट्री कैन अफेक्ट, ठीक है, इनकम कैन रिस्ट्रिक्ट, ओबेसिटी कैन इंक्रीज हेल्थ रिस्क, द क्वालिटी ऑफ फूड इज अफेक्टेड, ओबेसिटी कैन लीड टू हाई इकोनॉमिक कॉस्ट, वेरी गुड, 8 out of 10, अच्छा लिख रहे हो बेटा आप, वेरी गुड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जी ये असाइनमेंट चेक हो गई हैं, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। कवर हो गया, अब स्टार्ट से देखें, चलें 10 से आगे देखते हैं ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये आते हैं हम 35 तक आ जाते हैं, 36 तक जी, अब इनको चेक करते हैं कि करके अफगानिस्तान वॉर, अच्छा टाइटल भी इन्होंने सही नहीं लिखा, कोई मुझे बताएगा क्या गलती है, डब्ल्यू और फिर एस सर्वाइवल, अच्छा ऑफ का मैंने ऑफ स्मॉल क्यों लिखा हुआ है, ये मैं बड़ा कर सकता हूँ ना ओ एफ, ऐसे मुझे कोई बताएगा मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कोई बताएगा प्लीज़, मुझे लाजमी आप बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। अफगानिस्तान फेसिंग स्कार्सिटी, थोड़ा बड़ा कर लगता है, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नीड्स एक्सेप्ट द मेन एक्सेप्ट ऑफ मेन हेड्स ऑफ अफगान्स दैट इंक्लूड्स, हेड्स है, हेड्स है जिनमें शामिल हैं, इंक्लूड रिच फैमिलीज, ये ज़रूरत नहीं, इसी तरह बड़ा रॉयल की बात की गई है तो आप उसको वहाँ तक ही रखते हैं आप, डैट इंक्लूड्स ब्रेड ट्री एंड सम फ्रूट्स, दे ऑफन टेक मीट एंड चिकन एंड सी कैच ड्यूरिंग हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फूड इज इनफ टू फील अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इन्फेंट्री एंड रिसर्च इज द मेन रीजन, वॉर ऑफ सर्वाइवल इज देयर मेन बैटल, बट सिंसियरिटी फॉर देयर ऑन मीट्स has improved their behavior towards Afghan and foreigners, ठीक है। तो जनाब वाला इसके अंदर जो मैं मार्क्स आपको दूंगा दे विल बी 7 out of 10, इसको और अच्छा किया जा सकता है, दोबारा अच्छे से कीजिएगा, मतलब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने बात बताई है उसको बस माइंड में रखिएगा। प्रोविंस ट्रीटमेंट पोर्ट इज द मेन इशू इन पाकिस्तान, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रिएशन ऑफ जॉब इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, ड्यू टू इंसफिशिएंट रिसोर्सेज दे कैन रिजॉल्व द एम्प्लॉयमेंट इशू, मे रिजॉल्व और हैज़ रिजॉल्व, क्या कहना चाह रहे हैं आप, समटाइम्स द पॉवर्टी लेवल इज रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन इफ द गवर्नमेंट गिव्स मंथली फंड्स टू फुलफिल देयर एजुकेशन नीड्स दिस प्रॉब्लम विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, तो जनाब इसके अंदर जो मैं मार्क्स आपको दे सकूँगा दे विल बी 7.5 out of 10। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया, फिश बोन भी है और उसके बाद जनाब पैराग्राफ भी है, पाकिस्तान वाटर क्राइसिस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, लैक ऑफ डैम्स इज द मेन इशू, द प्रॉब्लम में राइज, ठीक है, जो फ्रेश वाटर रिजल्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इज मेनी अफेक्टेड, दिस लीड्स टू दिस चेंजेस, क्लाइमेट चेंज बोला करें बेटा, चेंजेस नहीं बोलते होते, 7.5 out of 10। वाटर क्राइसिस मीन्स अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, वाटर क्राइसिस इज द बर्निंग क्वेश्चन द मोस्ट वैल्यूएबल, पाकिस्तान फेसेस द इशू ऑफ from the government, but passing me arise with increasing population, reasonable the water pollution results, ठीक है, water shortage, very good, what is essential for survival, lack of water reduces this, like constipation, diarrhea के spelling गलत हैं, in short if the possible to overcome the water crisis, if we follow some measures, ठीक है, firstly the government should install more dams, secondly the government should install कोशिश करें कंक्लूजन करने सिर्फ रैप अप किया करें, चलें फिर भी ठीक है, मैंने सपोर्ट कंजम्पशन, ठीक है बेटा 15 out of 20।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेक करते हैं ट्यूटोरिंग से रिलेटेड है. ट्यूटोरिंग हैज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द पास्ट सम पास्ट फ्रॉम ट्यूटोरिंग हैज इवॉल्व ड्यूरिंग द पास्ट फ्रॉम एजुकेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप टू द होल वर्ल्ड. नाउ ये लाइन बेटा दोबारा करें, इसको आप सही से नहीं लिख पाए. अनलाइक पास्ट दा नहीं कहते होते, द ट्यूटर्स नाउ डोंट हैव राइट्स टू टीच देयर व्यूज. हाउएवर फुल स्टॉप था, हाउएवर से नया सेंटेंस स्टार था, फिर कॉमा. द ट्यूटर्स बिफोर हैड फ्रीडम टू एजुकेट द वे व्हाट दे कैन व्हाट दे वांटेड. ये लाइन जो कि ऊपर आपने बोल दी है वही बात आपने तकरीबन रिपीट की है. इट वॉज नॉट अ वेल अरेंज प्रोफेशन बिफोर. अच्छा, दे हैड टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर ओन ऑब्नोक्शियस व्यूज ऑन हायरवेंस प्लेटो वाज इम्प्रिजन्ड एंड सुप्रेस वाज हंग टू डेथ बिकॉज दे स्पोक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दीज डिटेंशंस डिडंट दोज डिटेंशंस डिडंट क्रश द डिड नॉट क्रश द रेबेलियन एंड एवरीवन केम टू नो अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेशन. बेटा इसको थोड़ा सा और अच्छा करें, काफ़ी गलतियाँ हैं. मैं इसमें 10 मार्क्स दे सकूँगा आपको आउट ऑफ 20. नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने कैसा किया है. और वही स्टूडेंट हमारे पास दूसरी वाली जो अनरा के बाद ज़्यादा असाइनमेंट्स लिख रही हैं माशाल्लाह. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन रिक्वायर्स डिफॉरेस्टेशन कैन क्लियर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स. ठीक है, 8 out of 10. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिश बोन से रिलेटेड है और सेम स्टूडेंट्स की तरफ से है. फ्लड इन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्शन सफरिंग हैवी रेनफॉल कॉजेस. ठीक है, इन्फेक्शन डैमेज. ठीक है, एजुकेशन मे बी क्लोज्ड ड्यू टू फ्लड्स. फ्लड्स कैन हैव लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन अफेक्टेड पीपल. इफेक्टेड पीपल होगा क्या, अफेक्टेड होगा, यहाँ पे इफेक्टेड ही आना है क्योंकि हम पैसिव वर्ब की तो बात ही यहाँ पे कर रहे हैं ना. अच्छा, तो 7.5 out of 10. नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. इनकम टाइड कॉस्ट, आपने तो बेटा सारी असाइनमेंट मेरी भेजी हुई तकरीबन कर ली है. एजुकेशन लीड्स टू डेट एंड प्रेशर. एजुकेशन इज व्यूड एज इन्वेस्टमेंट. हाई प्रेशर सर्टेन फील्ड्स रिक्वायर. ठीक है, स्टूडेंट्स टेक ऑन मोर डेट. इनकम इक्वालिटी इज फ्लक्चुएटेड. सैलरी बिकम्स द मेन फोकस. गुड, 8 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिशबोन है तो आइए चेक करते हैं और देखते हैं क्या किया. इन्फ्लेशन पाकिस्तान इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, प्रिंटिंग मोर मनी कैन कॉज प्राइसेस टू राइज. रुपी आर छोटा, पाकिस्तानी रुपी करेंगे फिर वो कैपिटल होना था. एवरीडे आइटम्स बिकम सेविंग्स बिकम. ठीक है, 7.5 out of 10. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी और चेक करते हैं कि आपने क्या किया. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग द प्लैनेट. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग. ठीक है, थ्रोइंग अवे टू मच वेस्ट हर्ट्स द एनवायरनमेंट. मेल्टिंग आइस कैप्स थ्रो रेटन इनहैबिटेंट्स. प्लांट्स आवर प्लैनेट एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर एंडेंजर्ड. एंडेंजरिंग ये भी ठीक है लेकिन आर यहाँ पे आना था. 7 out of 10. लेकिन चलते चलते आप जो है ना वो एकदम मिस्टेक कर लेते हो, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग. आपको उसका ख्याल करना चाहिए. सॉरी, मैं पानी पी लूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बोलते बोलते गला मेरा काफ़ी खुश्क हो गया. ये हल्का हल्का दर्द भी करने लग पड़ा. क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना. ना तो चलें नेक्स्ट देखते हैं. वाई डू स्टूडेंट्स फेल. तो यहाँ पे डू का मेरा भाई डू डी कैपिटल करते क्या होना था. तो मेजर इशू पाकिस्तान ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कॉमा दिस प्रॉब्लम अकर्स. फाइनेंशियल इशूज आर द मेन कॉजेज. सो मोस्ट स्टूडेंट्स फेल इन देयर कंट्री. मैंने कहा था एक ही सेंटेंस बनाना है आपने. समटाइम्स ड्यू टू पुअर डेप्रिवेशन दिस प्रॉब्लम राइजेस. अच्छा, स्टूडेंट्स फील एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस इशू. लेकिन बार बार वही बात, कोशिश करें सेंटेंस और अच्छा बनाने की कोशिश करें. जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छा मिलेंगे. इज द बर्डन ऑफ स्टडी. अच्छा, स्टडीज मुताले. समथिंग लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीजिंग. समथिंग समटाइम्स कहना चाह रहा हूँ.
इंक्रीजेस कहना चाह रहे हो, ये लाइन भी आपने सही नहीं की, 4 marks out of 10, दोबारा करें, अच्छे अंदाज से करें और अच्छे मार्क्स लें। नेक्स्ट हमारे पास है जी ह्यूमन राइट इशूज। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ बिकम द मेन प्रॉब्लम ड्यू टू द करप्शन ह्यूमन राइट इशूज आई कैपिटल क्यों आई आर इंक्रीजिंग पोर पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। नहीं, ये लाइन भी गलत। समटाइम्स द लिटरेशन लेवल इज सो हाई दैट द राइट्स ऑफ ह्यूमंस आर इग्नोर्ड, ये कॉमा आना बनता नहीं था। इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल्स डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ड्यू टू ह्यूमन राइट इशूज कॉमा सोशल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड दे फील इमोशनली फिजिकली डिस्टर्ब्ड। 5.5 out of 10, इसको और अच्छा करें, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह यू विल बूम। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन राइट इशूज, ये आई थिंक अभी मैंने चेक नहीं किया, जी ये अभी चेक किया मैंने। फिर उसके बाद फिश बोन की तरफ आ रहे हैं और देखते हैं उसे, रिडक्शन इन एम्प्लॉयड प्रोडक्टिविटी। लो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज डेंजरस फॉर द बिजनेस, पोअर मैनेजमेंट मेक्स वर्क, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंक्रीज पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्टर्ब्ड, स्लो सर्विस इफेक्ट्स, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, लोअर्स इनकम, टूल लेवल इज डैमेज्ड, ठीक है। तो मैं इसमें आपको मार्क्स दे पाऊँगा 8 out of 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ये सारे हो चुके, अब आऊँगा मैं इसको चेक्ड वाले सेक्शन में ले जाऊँगा। अब चलें स्टार्ट से देखते हैं, फिर स्टार्ट से ये आ जाते हैं 40 तक आ जाते हैं, ठीक है, सबको चेक करते हैं इंशाल्लाह। चैलेंज, अब ये असाइनमेंट हमारे पास है, टॉपिक ही नहीं बताया हुआ ऊपर जालम ने, जनाब ओबेसिटी जमी जो ओबेसिटी है, ठीक है, ओबेसिटी द लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन प्रॉपर डाइट प्लान एंड यू कैन आल्सो लीड इट इज एन इनहेरिटेड डिजीज एंड आल्सो अकर्स ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड। इनहेरिटेड द फैमिली बैकग्राउंड ही है बस, जरूरत ही है कहने की, कैन लीड डिफरेंट प्रॉब्लम डिजीज सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, इट मींस पीपल अनएबल टू फुलफिल देयर डेली पीसेस ऑफ वर्क विद एफिशिएंसी डिक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। अच्छा 7.5 भी कर देते हैं आउट ऑफ 10। नेक्स्ट आते हैं, इनमें इन्होंने देखें एक पैराग्राफ किया, एक बॉडी पैराग्राफ किया, एक कंक्लूजन किया, पहले तो इनके यहीं पे 3 marks माइनस हो गए। ओबेसिटी इज बिकमिंग अ सीरियस इशू डे बाय डे, इट है, इट आल्सो बिकम्स अ कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन, इट आल्सो बिकम्स अ, तो फिर डिजीज आएगा, इट कैन गिव बर्थ टू मेनी अदर फैटल डिजीज सच एज एस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिजीजेस इंक्रीज वार्निंगली ओनली ड्यू टू फैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। Spend their most of the time in using mobile phone and laptops and don't do any kind of work in which physical exercise is included. इन्होंने इंट्रोडक्शन को इतना बड़ा कर दिया, इम्प्रूवर डाइट प्लान कैन मेक दिस प्लानिंग, यानी नहीं है ना पता चल रहा है इस दिस डिजीज अमंग चिल्ड्रन यूथ यूथ यूथ्स कोई वर्ड नहीं होता। एज अ रिजल्ट दे फील रेस्टलेसनेस ऑल द टाइम एंड कुडंट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। वैसे कंसंट्रेट के साथ ज़्यादा वैसे टू यूज़ करते हैं, लेकिन चलिए ऑन भी कर दिया तो कोई बात नहीं, कंसिक्वेंटली दे फील डिफिकल्टीज इन देयर स्कूलिंग। They can't enjoy their life as a normal and healthy person. In conclusion, there is a most common proverb, health is wealth. There is no replacement of health. So if one has to enjoy his life, he should reduce his fat by taking adequate precautions. मैं आपको इसमें से मार्क्स दूंगा 13 out of 20। इसको और अच्छा करें, प्रैक्टिस करें, बार बार करें ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आएँ। प्रेसी राइटिंग हमारे पास आई है तो आइए चेक करते हैं। मैनी पीपल हैव रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट ओवन फूड एंड बेनिफिशियल सुपीरियर टू लोकल एंड कमर्शियल फूड एज प्रोड्यूस डिपेंड ऑन दिस इट इज क्लीन दैट ओवन प्रोड्यूस आर सेफर एंड दिस इनफैक्ट सच असम्प्शंस कैन गिव हार्ड टाइम टू डिनर प्रेपिंग सम ऑफ देयर आर मेनी फूड कोर्स मेनी फूड्स एंड दिस थिंग्स एनहांस आवर हेल्थ एज ए मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इट इज नथिंग बट अ कॉमिकल कॉन्सेप्ट दिस इज द मेन रीजन ऑफ बाइंग एक्सेसिव फूड। गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, 8.5 out of 10 विद अ स्टार। छोटे हो तो मिलते थे ना, देखो सारे आंसर भी मिलते हैं। अफिनिटी डायग्राम है तो आइए चेक करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, भाई इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना था। पोल्यूशन आर द रैपिड इंक्रीजिंग, पोल्यूशन बिकम्स द रीजन फॉर दिस, इट इज द वाइट रिकॉर्ड ऑफ डिफोरेस्टेशन, पॉवर्टी लेवल पी कैपिटल एल लेवल कैपिटल आना था, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिकम्स द रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर इंसफिशिएंट, द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो नहीं, ये लाइन अब आपने ना अलग इजाफी कर दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। 6 out of 10। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं और ये असाइनमेंट भी आई थिंक अफिनिटी पे ही है, जी हाँ। तो आइए चेक करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, ये मैं कैसा भी मैंने चेक किया, जी हाँ।
नेक्स्ट है जी कि ई कॉमर्स ग्रोथ, ये चेक करते हैं फिर, मसला ही कोई नहीं, ये इसको इन्होंने सेंटेंसिंग कंप्लीट बनाया, ई कॉमर्स ग्रोथ इज इंक्रीज बाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बढ़ गई है, ये बढ़ाई जा सकती है, ये बढ़ाई जा रही है, ये ज़्यादा अपने इसके ऊपर गौर करना, यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि टेंस की मिस्टेक ने इसे बच गए। द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज दैट प्रमोट्स ई कॉमर्स, इट बिकम्स अ फैशन और ट्रेंड इन द प्रेजेंट टाइम, इट हैज़ बिकम कॉन, ये तो आपने सही नहीं लिखा, 4 out of 10, दोबारा करें, अच्छे अंदाज से करें, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को और इन्हांस करें ताकि आप मार्क्स भी अच्छे ले सकें और अच्छी तरह सीख भी सकें, मेन चीज़ सीखना भी होनी चाहिए, खाली पेपर पास करना नहीं। फिर वो इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना था, पॉपुलेशन कम कैपिटल, दिस पॉपुलेशन इज बिकम वाइटल रीजन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर इंक्रीज डे बाई डे विच पोल्यूट, जो करती हैं, ठीक है, टू फॉर्म मोर सोसाइटीज, ठीक है, इसमें मैं आपको मार्क्स दूँगा 5.5, वो ऊपर वाली गलतियाँ भी थी, वो तो होनी होनी है क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक सबसे बड़ी गलती जो बनती थी आपके मार्क्स काटना, इनअप्रोप्रिएट गार्बेज डिस्पोजल एंड सीवेज सिस्टम, वही आपने फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं किया, इट बिकम्स अ मेजर एंड रीजन ऑफ दिस अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट, ए वाला आना था डिजीजेज, इट बिकम्स द रीजन ऑफ मैनी डिजीजेज लाइक टाइफाइड, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, ए वाला आना था, मुतासिर होना, 4.5 out of 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली असाइनमेंट है प्रेसी राइटिंग, तो आइए चेक करते हैं, क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज सच एज कंट्रारी टू अल्ट्रा डिजीज कॉन्ट्रैक्टिंग कैंसर्स आर लीडिंग कॉजेज ऑफ हेल्थ थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, जनरली ह्यूमन डेवलप कंट्री सर्वेज शो, ठीक है, इंडिविजुअल सेफर मेथड और आर कंज्यूमिंग ठीक है, हेल्थ मेंटेनेंस एंड डिजीज, बेटा मुझे लग रहा है जैसे आपने पैसे से काफ़ी कॉपी किया, लेकिन चलें अगर आपने नहीं किया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर किया है तो ये बहुत गलत बात है इसको, और क्योंकि हमने कॉपी नहीं करना होता, कॉपी करते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने पैसे नहीं है वरना मैं देख के बता देता। तो खैर, IMF मेकिंग IMF द हाई अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, IMF हैज बिकम द हाई अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट डिप्रेशन पाकिस्तान गेट्स लॉन्ग अर्निंग, गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट, ईवल आता होता है IMF, सो इट्स मीज नहीं, ये लाइन कंप्लीट रखनी थी, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस करेंसी कोर्स, कॉज क्या है भाई, कॉज ये कॉज के अंदर तो नहीं आता ये, ड्यू टू IMF पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिड्यूसिंग डे बाई डे, इन्फ्लेशन रेट इज हाई इन द कंट्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू अथॉरिटी डिस अथॉरिटी एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, 4.5 out of 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिश बोन डायग्राम अगेन हमारे पास आई है सेम बाजी की तरफ से, देखिए इनका तो हमारे पास अब वो पता लग गया ना मैं कि ये वही है, क्योंकि इनका तरीका अलग है, प्लेयर्स चूज IPL और PSL, हर्टी PSL पॉपुलरिटी ठीक है, द IPL ऑफर्स ठीक है, द PSL इज कंसीडर लेस सेफर, स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन गेंस हाई ग्लोबल ओनरशिप, ठीक है गुड शाबाश, अच्छा लिखा आपने। नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास फिश पॉन है इंक्रीजिंग बैगरी, तो आइए चेक करते हैं ना, पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न, हाई पॉवर्टी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ड्राइव ठीक है, इनफिशिएंट सोशल बेस, फैसिलिटीज प्रिवेंट बैगिंग करना से ड्राइव टूरिस्ट, केमिकल ग्रुप्स क्रिमिनल ग्रुप्स सॉरी इज मेक दिस बैगर्स फेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड फंटेस्टिक। अनरा फिर आ गई हैं बाजी, अनरा तो आइए अनरा बाजी का काम चेक करते हैं, कमाल है, CFO है, परफ्यूम है, कराची है, ठीक है, थ्री टीम्स, आई होप यू आर फाइन, गुड हेल्थ एंड राइटिंग दिस हैज बीन फ्रॉम योर मोस्ट परफॉर्मेंस, आई हैव मेनी ऑर्डर्स एंड पेंडिंग, सो आई डिसाइडेड टू गिव सम रिव्यूज फ्रॉम माई सेल्फ फॉर बाय माई सेल्फ, I have suffered a significant wish from the insurance of the hospital. I would like to request for the continued procedure and provide the best ones if I were to know. Kamal ka ke bada kar hi dete yaar, kya tha ispe? 16.5 out of 20, achha likha aapne, good. जी ये असाइनमेंट्स भी डन, और आइए बाकी असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं, और हमारे पास सिर्फ 4 असाइनमेंट रह गई हैं, अरे भाई क्या बात है, ये खुशी की भी कोई इंतहा नहीं होती है ना, लगता है ना ऐसा,
air pollution is a growing health risk. Air pollution is caused by industrial emission. Deforestation increases. ठीक है. वाटर डिस्पोजल कंट्रीब्यूट्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन. ठीक है. पोल्यूशन कैन डैमेज. ठीक है. एयर पार्टिकल्स कैन रिड्यूस विजिबिलिटी. गुड बेटा, शाबाश, अच्छी मेहनत कर रहे हो आप. वेरी गुड. फिर उसके बाद हमारे पास ये फिश बोन है, तो आइए चेक करते हैं. फिश बोन के बाद पैसेज भी है. ठीक है. हाई इम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस और वाइडस्प्रेड प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. थ्रू आउट द वर्ल्ड का है ना ऑर्गेनाइजेशन. थ्रू आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कर लें, या ऑल द अमंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कर लें. लैक ऑफ ट्रेनिंग आर लीडिंग कॉजेस. ठीक है. इन्फेक्शन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ड्राइविंग टू एडवांसमेंट लीडरशिप रिड्यूस. लीडरशिप डैमेजेस दिस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आर डिक्लाइनिंग. एफिशिएंसी लेवल्स ये ज़्यादा अच्छा था. ठीक है. 7.5 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका पैसेज चेक करते हैं. टर्नओवर इज अ प्रीवेलेंट इशू ऑफ इंटरडेज वर्क फोर्स विद. ठीक है. सभी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर. द मेन रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर इज पुअर मैनेजमेंट लीडरशिप दैट गुड बिहेवियर समटाइम्स कॉमा एम्प्लॉय विद द लैक ऑफ दिस टू डू एन एंड तो फिर हिज बेस्ट होगा. और ड्राइव्स ठीक है. इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू दिस एबिलिटी टू ऑपरेट. First turnover is a complex phenomenon that has bad impacts. ठीक है. Employee turnover provide opportunities for growth. Companies should provide पूरी बात भी तो करें ना. And management practices. ठीक है. Good. मैं इसमें आपको marks दूंगा बेटा 15 out of 20. ठीक है. Next की तरफ बढ़ते हैं और check करते हैं letter writing और आते हैं एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग. अच्छा, मुझे को बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड कंप्लेंट. ये आपने बताना है मुझे लाजमी. डियर सर, ग्रीटिंग्स, होप यू आर फाइन. आई होप यू आर फाइन. ये वही गलतियाँ फिर कर रहे हैं. स्टाफ एंड ट्रैवल फ्रॉम कराची इस्लामाबाद ऑन July 24. ठीक है. आई हैड बैड एक्सपीरियंस ऑन योर सर्विस व्हेन आई अराइव्ड. माय लगेज वाज प्रॉपर्ली चेक्ड इन बट सडनली वन ऑफ योर सिक्योरिटी पर्सनल्स. ए ज़्यादा में से एक होता है ना. एंड मेंटेन प्रोफेशनल डिमांडिंग. ठीक है. योर रिक्वेस्ट है. काशिफ साहब हैं तो जनाब 15 out of 20 हैं. गुड है, अच्छा है, शाबाश है. फिर उसके बाद आते हैं लेटर, इसको चेक करते हैं. तो जनाब एग्जामिनेशन हॉल ये एक्स वाई जी बिल्डिंग नीचे वाली लाइन में आप लेके जा सकते थे और नीचे वाली लाइन में ही लेके जाएं. और बेटा मुझे याद पड़ता है मैडम अनरा कि मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई थी और आपने मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी पूछा था सर ये आपने क्या कहा था. तो मैंने बताया भी था फिर आपने वही गलती की है. याद है कि नहीं है ना. मुझे याद है. आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता. आई होप यू आर फाइन. ठीक है. ये तो भी हमने चेक किया. हाँ ये देखें वही बात. वो ये इधर आना था. ये बिल्कुल हमने चेक किया अभी थोड़ी देर पहले चेक किया है. तो बच्चों वी हैव कम्प्लीटेड आवर असाइनमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से ज़रूर आज भी कुछ सीखने को मिला होगा. एज यूजुअल आज हमने टोटल जो असाइनमेंट्स चेक की हैं उनकी तादाद थी 72, जिनमें हम बात करें जब उसकी क्या नाम लेते हैं जब हम बात करते हैं उसकी असाइनमेंट की क्या नाम लेते हैं फिश बोन की, तो उसके साथ किसी ने पैराग्राफ भी किए तो मिला के तकरीबन 85 के करीब असाइनमेंट्स हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह चेक की हैं इन 54 मिनट्स ऑलमोस्ट. तो बेटा इंशाल्लाह अगली असाइनमेंट्स के साथ बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.